हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको 3 मिनट लेने वाला हूँ। 3 मिनट में दोस्तों मैं आपके सारी प्रॉब्लम्स का हल आपको बता दूंगा। जो भी आपकी आपके डाउट हैं एग्जाम को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर, सभी प्रकार के डाउट, चाहे कंपार्टमेंट वाले हों, चाहे प्राइवेट वाले बच्चे हों, सभी स्टूडेंट जो इस बार एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर एग्जाम जो एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे, सेंटर कहाँ पड़ेगा, ठीक है, पेपर क्वेश्चन हार्ड आएंगे या हार्ड चेकिंग की जाएगी या जानबूझ के बारे में काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों अभी इन सभी चीज़ों के बारे में आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी जो चीज़ आपको करनी है वो सिर्फ मात्र है आपको अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। जिस भी स्ट्रीम से आप हैं, चाहे आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, क्लास टेंथ के जो बच्चे हैं, उन्हें बस अभी पढ़ाई करनी है ताकि आप एग्ज़ाम के माध्यम से अपने आप को प्रूव कर सके। अगर एडमिट कार्ड के चक्कर में रह रहे हो आप, ठीक है, सेंटर के चक्कर में रह रहे हो, पेपर कैसे आएंगे इसके चक्कर में रह रहे हो, तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसी सभी सोचने में हमारा टाइम लगातार गुजर जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब एडमिट कार्ड आपके हाथ में आएगा और आपको पता चले अरे हमने तो पढ़ाई बिल्कुल की नहीं और पता चला नेक्स्ट डे आपका पेपर है। तो ऐसे में दोस्तों अच्छा यही होगा कि आपको एडमिट कार्ड के बारे में सोचना नहीं चाहिए, सेंटर के बारे में सोचना नहीं चाहिए, पेपर हार्ड के बारे में सोचना नहीं चाहिए। आपने पढ़ाई की है तो आप किसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और पेपर कोई हार्ड आने वाला नहीं है। वही पेपर आएंगे जो इससे पहले आया करते थे, जो आपके सैंपल पेपर दे दिया गया। मैंने आपको अपनी वीडियो में, अपने चैनल में सैंपल पेपर भी दिखा दिए, क्लास टेंथ के भी दिखा दिए, क्लास ट्वेल्थ के भी दिखा दिए। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं एमसीक्यू कितने आएंगे, कितने प्रकार के, वो सारी चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। तो बिल्कुल भी किसी प्रकार की चिंता करने की आप सभी को आवश्यकता नहीं है। आप सभी से मेरे विनर विनती है कि आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए ताकि आप अपने आप को प्रूव कर सके। नहीं तो दोस्तों इसी तरह सोचते सोचते एग्ज़ाम का दिन आ जाएगा और फिर आप बिल्कुल भी अपने आप के जो आपका 100% है वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सीबीएसई ने भी कहा कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर चुके हैं और मान लो कि भाई आप एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं और उस दिन आप एग्ज़ाम देने नहीं जाते तो आपका उसमें एब्सेंट नहीं लगेगा, आपका जो पहले दिया गया नंबर वो उसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे जो रिजल्ट आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। किसी भी प्रकार की पैनिक करने की जरूरत नहीं, कोरोना का काल चल रहा है, जो भी होगा आप सभी के अच्छे के लिए होगा, भगवान ने चाहा सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि बहुत से स्टेट्स में अगर बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, यहाँ तो कोरोना का जो प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जैसे आप सभी को पता है कि सभी जो महानुभव, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सब बोल रहे थे कि भाई जानकार है कि सितंबर और अगस्त का जो लास्ट सप्ताह है ये कोरोना के पीक का दौर हो सकता है। बट ये सारी चीज़ें अभी आपको सोचने पर मजबूर नहीं करनी है, बस आपको अपना कर्तव्य करना है, पढ़ाई करना है और अपने आपको रिजल्ट, अपने पेपर को तैयार करना है। पेपर कैंसिल हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, वो बाद की बात है, वो सीबीएसई डिसाइड कर लेगी। इससे पहले भी सीबीएसई ने डिसाइड किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया, ठीक है, प्रोटेस्ट किया गया, उसके आधार पर एग्जाम रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया। और मैंने इसको लेकर पोल भी किया था, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस पोल में 95% बच्चे एग्री करते हैं कि उन्होंने एग्जाम को कैंसिल करा के गलती की है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ ठीक है, मैं मानता हूँ ये जो पोल अभी कोई इसका मायने नहीं, कोई औचित्य नहीं, बट मैंने एक अपने आप को समझने के लिए कहा कि कितने बच्चे सहमत हैं, असहमत हैं, और मैंने कहा कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर उत्तर देना है। तो सभी बच्चों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर उत्तर दिया और 95% बच्चे इससे एग्री करते हैं कि उन्होंने कोरोना काल के दौरान या एग्ज़ाम को पोस्टपोन या कैंसिल करके बहुत बड़ी गलती की है। दोस्तों आपसे विनर विनती है कि पढ़ाई कीजिए, किसी प्रकार के भी झंझट में ना पड़िए। एडमिट कार्ड जारी होंगे, कब होंगे, कहाँ पेपर होगा, कैसे नहीं होगा, सेंटर कहाँ पढ़ने वाला, सारी चीज़ें दोस्तों आपको नहीं करना है, सब सीबीएसई करेगी। आपके अकॉर्डिंग कुछ भी होने वाला नहीं है, जो सीबीएसई करेगी वही होगा, ठीक है। तो इस झंझट में बिल्कुल भी मत फेरे पड़िए कि एडमिट कार्ड कैसे आएंगे, हमारा होम सेंटर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बस आप अपने को पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस कीजिए, बस यही इस वीडियो के माध्यम से मुझे आप सभी से कह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरी देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँचे और बच्चा जो अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से लग जाए और अपने रिजल्ट को अच्छा बना दे। दोस्तों जय हिंद, वीडियो लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों कल दोस्तों मैं आप सभी के साथ लाइव रहूंगा, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से, ठीक है, सारे प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं, एग्जाम के बारे में कैसे पेपर आएगा, सारी चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। कल दोस्तों मैं आप सभी के साथ लाइव रहूंगा, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।